तो हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ कि संविधान की अनुसूची में क्या है, कितना है और क्या क्या जानकारी इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था कब तक हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान का जो निर्माण है हो गया था, और उस समय जो हमारे संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 4 और जुड़ गई है, जिससे वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो हो गई है 12। तो चलिए दोस्तों, इसको बारी बारी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अनुसूची दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला अनुसूची। तो पहला अनुसूची किसके बारे में बताता है? इस सूची में भारतीय घटक के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो इसमें भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में जानकारी दिया गई है। इसके अनुसार भारत में लगभग अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दिया गया है। तो संविधान के 69th संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी, ये भी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि उल्लिखित है। जितने भी राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि आपका हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग, इन सब का जो वेतन होता है वो किस प्रकार से इनको देना है, कैसे देना है, किस प्रकार से इनका वेतन दिया जाएगा, इन सब के बारे में जानकारी जो है हमें दूसरी अनुसूची यहाँ पर बताती है। उसके बाद चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शपथ, तो किस प्रकार से जो शपथ दिया जाता है, जैसे आपका हो गया जो होते हैं, जैसे कोर्ट में आपका हो गया न्यायमूर्ति, जज हो गए आप, कैग हो गया, आपके जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं और उच्च मंत्री हैं, कौन कौन को किस प्रकार से शपथ दिया जाना है और कौन शपथ दिया जाएगा, इसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है जानकारी इस प्रकार से इसमें हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि आपका जो कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से जो पदाधिकारी होते हैं उनको क्या है यहाँ पर शपथ दिया जाता है। जैसे न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, कैग हो गया, संसद के सदस्य हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इन सब का जो है शपथ इसमें दिया गया है। उसके बाद चौथा अनुसूची है। चौथा अनुसूची में लिखा हुआ है, इसमें देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। तो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कितने रेशियो में, कितने अनुपात में जो है उनका जो प्रतिनिधि राज्यसभा में चयनित किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद पाँचवीं सूची में क्या दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जो है, किस प्रकार से उनका जो प्रशासन रहेगा, कैसे प्रशासन किया जाएगा और वो किस प्रकार से जो है मान्यता और कुछ कुछ जो है अर्हताएँ दिया जाएगा, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे अगले अनुसूची की तरफ। उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में हम देख सकते हैं, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंधन का उल्लेख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, 4 जो यहाँ पे राज्य लिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ATMM। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा विशेष प्रकार के राज्य हैं जिसके लिए क्या है अलग से जो है प्रबंधन इसमें किया जाता है। सातवीं अनुसूची। तो अपनी जो सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। तो जो सातवीं अनुसूची है, किस प्रकार से जो शक्ति है वो राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में बंटवारा किया जाएगा, इसमें दिया गया है। इसके अनुसार इसमें 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, जो कि केंद्र के पास जो पावर रहती है उसके बारे में दिया रहेगा, एक राज्य सूची जिसमें क्या है राज्य को कौन कौन सा शक्ति दिया जाएगा उसके बारे में दिया रहेगा। उसके बाद समवर्ती, समवर्ती मतलब कौन कौन से फैसले हैं, कौन कौन से पावर्स हैं
जो कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है, इसका ये उल्लेख है। उसके बाद आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे कि देखिए इसमें 22 भाषाएं, इसमें हाल ही में क्या है 22 भाषाएं इसमें जोड़ा गया है। तो देखिए 1967 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया था। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9वीं अनुसूची क्या बोलता है, इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। तो इसको 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकता, जैसे कि इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। यहाँ पे आप 10वीं अनुसूची में देख सकते हैं दल बदल से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल मतलब जैसे एक राजनीतिक दल है वो दूसरे अगर राजनीतिक दल में जाता है तो उसमें क्या रोक टोक रहेगा, या फिर क्या उसमें कुछ सुविधाएँ या कुछ क्या बोलते हैं किस प्रकार से जाएगा वो, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो संविधान जो आपका जो है उसमें अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है इसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 29 विषय हैं, इसको भी याद रखना है। उसके बाद अपना जो अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संशोधन संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, किस प्रकार से जो नगर पालिका है अपना जो है स्वशासन प्रबंधन क्रियाएं चलाएंगी उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये था दोस्तों जो है पहले से लेकर 12वीं तक का जो अनुसूची है उसके बारे में छोटी ही संक्षिप्त में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।